आज हम बना रहे हैं साबत मसूर की दाल, जो बहुत ही अच्छी और बहुत मज़ेदार बनती है। इसको मसूर की खड़े मसूर की दाल भी बोलते हैं। तो चलें जी, हम इसको शुरू करते हैं प्रोसेस। सबसे पहले मैंने ये 250 ग्राम मैंने दाल ली है। इसको मैंने आधा घंटा पानी में बहुत अच्छी तरह भिगो दिया है। अब मैं इसको पैन में डालती हूँ। चलें जी, फ्लेम करते हैं हम ऑन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने अपना फ्लेम ऑन कर दिया और हम अपनी दाल जो है वो इसमें डाल दी, और साथ ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें इतना डालेंगे कि हमारी दाल जो है वो बहुत अच्छी तरह गल जाए, और साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, या आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। और मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून नमक। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलें जी, जब तक इसमें उबाल आता है हम इसको रख देते हैं, और जब तक ये गलती है दाल, इसको बहुत अच्छी तरह दाल को गलने देते हैं। चलें जी, देखते हैं हमारी दाल में आ गया है उबाल। अब हम इसको मिक्स करके और अपना फ्लेम जो है हम स्लो कर देंगे ताकि दाल बहुत अच्छी तरह गल जाए। अब जब तक हमारी दाल गलती है हम इसको देखते रहेंगे, और ये जब गल जाएगी बाकी का प्रोसेस हम फिर करते हैं। जब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलें जी, देखते हैं हमारी दाल का पानी कितना खुश्क हुआ। ये देखिए, दाल का पानी काफ़ी हद तक, ये थोड़ा सा पानी और कम हो जाए तो हम इसको बहुत अच्छी तरह घोट लेंगे। थोड़ा सा पानी और रह गया, ये पानी भी खुश्क हो जाए। देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी तरह गल गई है, लेकिन अभी थोड़ी सी और ये गल जाए। जब तक हम इसको दोबारा ढक देते हैं ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। चलिए जी, देखते हैं हमारे दाल का पानी कितना खुश्क हुआ। ये देखिए, दाल का पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है। अब हम इसको बहुत ही अच्छी तरह घोट लेंगे। इसलिए कि अगर पानी दाल में थोड़ा सा भी पानी ज़्यादा होता है ना, तो दाल अच्छी तरह घुटती नहीं है। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाता है तो ये घोटने में बहुत आराम से, बस आप थोड़ा सा चमचा इसमें अच्छी तरह मिक्स करें इसको, और ये जो है ना बहुत अच्छी तरह दाल हमारी घुट जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह गल गई है दाल हमारी। देखिए, दाल हमारी काफ़ी हद तक जितनी हमें चाहिए थी, हमने इसको दाल को घोट लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये मैंने थोड़ी सी इमली ली है, ये मैं इमली इसमें शामिल कर दूंगी ताकि थोड़ा सा दाल में हल्की सी खटास आ जाए। ये देखिए, आप इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, इसलिए कि हमारी दाल जो है बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी। जितनी मुझे गाढ़ी रखनी है दाल, बस मैं उतना ही इसमें पानी शामिल कर दूंगी। एक उबाल आ जाए तो फिर हम इसमें पुदीना और हरी मिर्चें अपनी वो शामिल करते हैं, और इसका भगार तैयार करते हैं। ये हमने एक गड्डी पुदीने की और 3-4 हरी मिर्चें मैंने इनको काट के रख लिया है। अब हम ये भी इसमें शामिल कर देंगे। ये देखिए, और हम अपना फ्लेम कर देंगे ऑफ, इसलिए कि हमारी दाल जो है बहुत अच्छी तरह इसमें उबाल आ गया है। ये देखिए कितनी अच्छी दाल हमारी बनी है। अब
हम इसमें पुदीना और ये देखिए और हरी मिर्चें और इसको हम कर देंगे बहुत अच्छी तरह मिक्स। अब हम इसका बनाते हैं बघार जो इसमें डलेगा। आप बघार के लिए देसी घी, कुकिंग ऑयल, आपका जो दिल चाहे आप यूज़ कर सकते हैं। मैं तो देसी घी में इसका बघार लगाऊंगी, इसी के देसी घी में बघार लगाने से दाल का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। तो चलें हम करते हैं बघार। ये देखिए मैंने 5 से 6 लहसुन के जवे लिए हैं और उनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और पैन के अंदर मैंने डाला है देसी घी। मैंने 4 टेबल स्पून भर के देसी घी लिया है वो मैंने इसमें। अब हमारा लहसुन जो है हल्का पिंक हो जाएगा तो हम इसको अपनी दाल में शामिल कर लेंगे। ये देखिए लहसुन हमारा अब पिंक होना शुरू हो गया है। थोड़ा सा इसका कलर, थोड़ा सा इसका डार्क कलर हो जाए तो मैं इसको दाल में शामिल कर दूंगी। ये हमारी बहुत ही मज़ेदार सी साबुत मसूर की दाल जिसे मलका मसूर भी कहते हैं वो बनके तैयार हो गई। मैं इसके लिए चावल बॉईल करूंगी। वैसे आप चावल से, नान से, चपाती से, जिससे भी खाएंगे बहुत मज़े की लगती है। देखिए लहसुन हमारा ये देखिए रेड हो गया है बहुत अच्छी तरह। अब मैं इसको दाल में डाल दूंगी। और इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे तो हमारी मज़ेदार सी साबुत मसूर की दाल तैयार हो गई। अब मैं चावल बॉईल करती हूँ फिर करती हूँ मैं डिश आउट। ये देखिए हमारे मज़ेदार सी साबुत मसूर की दाल बनके तैयार हो गई है। मैंने इसके साथ चावल बॉईल किए हैं। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।